नवोदय विद्यालय हाँ, उसकी भी आई है बहुत सारी वैकेंसी देखी। हाँ, ये इसमें लैब अटेंडेंट का है। हाँ, लैब अटेंडेंट में उसमें ये मांगा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस, नहीं साइंस भी वो चलेगा 10+2 साइंस के साथ। हाँ, तो उसके बायो वगैरह हो, बायो केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह। हाँ नहीं तो वो हाँ वो तो मैंने देख लिया, 10th के साथ ज्यादा डिप्लोमा हो लैब टेंथ या डिप्लोमा या फिर 12th मांग रखी शायद। हाँ, ये जो तुमने एक लैब अटेंडेंट लैब उसका कोर्स किया था ना शायद, मैं तो लैब टेक्नीशियन हूँ ना अभी। हाँ लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया था ना तुमने, हाँ, तो ये इक्विवेलेंट होता है क्या उसके डिप्लोमा इन लैब टेक्निक? हाँ, इक्विवेलेंट है। तो उसमें जो सिलेबस दे रखा है उसमें पूछा है कि क्या कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, 60 नंबर का। हाँ, लैब वही आएगा, लैब अटेंडेंट के से आता है मेन, ग्लासवेयर के बारे में पूछेगा, हाँ जो ग्लासवेयर यूज करते हैं लेबोरेटरी में, हाँ और उसके बाद कुछ मशीन यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह, क्लोरीमीटर वगैरह, उनसे कुछ पूछ देगा, उनकी मेंटेनेंस वगैरह के बारे में पूछ देगा, या फिर कुछ यूनिट वगैरह पूछ देगा, यही पूछेगा सब। अच्छा, तो उसमें ना हाँ वही क्या कहते हैं, मैं सोचा था मैं भाई को भरवा दूं, तो मैं वही पूछ रहा था कि इसमें बाकी तो रीजनिंग हो गया बाकी तो सब सेम हो, कुछ स्पेसिफिक आएगा बस लैब अटेंडेंट के लिए, क्योंकि मेन लैब अटेंडेंट काम है ना असिस्ट करना होता है, जो टेक्नीशियन होता है वहाँ का, तो उनको असिस्ट करना होता है, उसको मेनली ग्लास वेयर का पता होना चाहिए। बहुत सारे ग्लास वेयर होते हैं, कॉन्क्लेव फ्लास्क होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, बहुत सारी उसमें होती है, तो उसके बारे में आना चाहिए, और साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है, जैसे फोर्सेप हो गया, उसके बाद सीजर हो गया, कई टाइप की होती है, फिर उसके बाद मशीन माइक्रोस्कोप हो गया, उसके बारे में पूछ देगा कि माइक्रोस्कोप का कोई पार्ट पूछ देगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, और साथ में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पूछ दिया कि भाई इसमें क्या क्या किया जाता है, किस किस पर्पज से यूज किया जाता है, क्लोरीमीटर किस पर्पज से यूज किया जाता है, और पूछ देगा आपसे, हाँ वो पूछ देगा क्या नाम है, डेंजरस जो साइन वाइन होते हैं वो पूछ देगा कि डेंजरस का साइन किस टाइप का आप शो करते हैं, साइन दे देगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल में। अच्छा, तुमने तो पढ़ा, वो कितने साल का कोर्स था जो तुम्हारा था? मेरा 3 साल का था मेरा तो। अच्छा था, तो तुमने उसमें सारे चीजें पढ़ी होंगी सब चीजें? हाँ, उसमें तो सारी चीजें पढ़ी थी हमने कॉलेज टाइम। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था इसमें लैब वो मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछ रहा था। हाँ, उस लेकिन बहुत नॉर्मल लेवल का आएगा, क्योंकि लैब अटेंडेंट वो उसका है ना ग्रुप सी का है, हाँ तो वही, उसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा टेक्निकल से, हाँ थोड़े टेक्निकल बहुत ही पूछेगा। वही, तो वही मैं वो समझ नहीं आता कि उसमें क्या पूछ सकता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। वही वही इसी के बारे में पूछेगा, तो आपको YouTube पे मिल जाएगा, और नहीं तो हाँ फिर बुक आती है, बुक ले लो। अच्छा, तो हाँ वही नॉर्मल चीजें पूछना चाहते कि लैब में हेल्प ही करना है, अटेंडेंट को हेल्प करना है हाँ, उसको। मेन मेन वही, आप टेस्ट वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, कोई भी स्पेसिफिक वो वैल्यू वगैरह नहीं पूछेगा, और मेन जो पूछेगा वो, क्योंकि ये लेबोरेटरी की है ना, उसकी क्या नाम है, इसके इसके लेबोरेटरी, स्कूल की लेबोरेटरी का लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट के जिसमें कि कोई टेस्ट स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं कराते, वहाँ मेनली वही कराते हैं, मान लो कि छोटे मोटे जो हम करते थे अपने 8-9 लेवल पे, तो उसी में इसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे हम, उसके बारे में, मतलब लिटमस पेपर के बारे में पूछ देगा ज्यादा। हाँ, वही वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं वही सब जो हाँ, बस स्कूलों यही सब पूछेगा, ज्यादा स्पेसिफिक कुछ पूछेगा नहीं। में। हाँ, क्योंकि इतना टेक्निकल तो है नहीं कि टेक्नीशियन का हो, अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट का है। हाँ, तो ज्यादा स्पेसिफिक पूछेगा नहीं, देखता हूँ, बाकी प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर होंगे, सब उसमें से देख लेंगे क्वेश्चन वगैरह, प्रीवियस ईयर देखता बहुत सारे अटेंडेंट को होते रहते हैं ना। हूँ। हाँ, लैब अटेंडेंट का होते रहते हैं स्कूल हाँ कॉलेजेस में। हाँ दिल्ली ये भी निकालता है मेरे ख्याल से, ये दिल्ली गवर्नमेंट भी निकालती है लैब अटेंडेंट के। अच्छा, हाँ, तो उसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। वही कहीं से अरेंज करता हूँ कुछ महंगा वही अच्छी कुछ। अच्छा, नवोदय में अच्छा है, तो ऑटोनोमस बॉडी सबसे अच्छी बात है, हाँ ये तो बढ़िया है नवोदय। लेकिन उन्होंने दे रखा है कि पोस्टिंग जो होगी वो हार्ड स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा वैकेंसीज है, तो वहीं होंगी, बाद में आपकी ट्रांसफर की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वो नहीं तो की जाएगी। नहीं, वो कहते हैं, वो तो लिखा रहता है, वो बाद में म्यूचुअल तो होता रहता है, वो सब तो बाद की बात है, वो तो हमारे उसमें लिखा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भाई आपको ऑल इंडिया में कहीं भेज सकते हैं, उसके बाद कौन जाता है ऑल इंडिया में कहीं भी हाँ वही वो तो चीज। सब तो पहले बता देते हैं, लेकिन वो बाद में हो जाता है जुगाड़ सब। मैं वही पूछता हूँ तुमसे कि क्या है।